जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नारद जी ने कहा। यह सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभनिशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और आकाश में काले मेघ छा गए। बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। इधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंच सारा वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उनके वंशुर्ती हो गए हैं और लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसी के घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों रहते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, आपके अंश से उत्पन्न और मेरी स्त्री लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा, आप स्वयं उसे मारें। महादेव जी ने कहा, अति प्रतापी जलंधर इन शस्त्रों से नहीं मारा जा सकेगा, इसीलिए आप अपने तेज के अंश के साथ देवताओं के तेज का अंश शस्त्र के लिए मुझे दीजिए। नारद जी ने कहा, तब विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना तेजांश शिवजी को दे दिया। तब उस संपूर्ण एकत्रित तेज में महादेव जी ने अपना तेज भी मिला दिया। उस एकत्रित तेज से शंकर जी ने देदीप्यमान तथा भीषण एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक शस्त्र बनाया तथा जो तेज शेष रह गया उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी घोड़े रथ और प्यादों से लेस होकर कैलाश पर्वत की तस्थला भूमि में जलंधर दिखाई पड़ा। उसे देखकर सब देवता जैसे चुपके से आए थे वैसे ही चुपचाप चले गए। शिवजी के गण उसी समय शीघ्रता पूर्वक संग्राम के लिए उद्यत हो गए। नंदी गणेश तथा स्वामी कार्तिक आदि गण शिवजी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत से झटपट नीचे युद्ध के लिए उतर आए। कैलाश के समीप अमराई में महादेव जी के गण तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दैत्यों से घमासान युद्ध होने लगा। योद्धाओं को प्रसन्न करने वाले भेरी मृदंग शंखों के शब्दों से तथा हाथी घोड़ों रथों के घोर शब्दों से व्याप्त होकर पृथ्वी कांप उठी। शक्ति तोमर बाण मूसल पास तथा पट्टिसों के शब्द से व्याप्त आकाश मंडल अनंत उल्कापात के सदृश सुशोभित हो गया। भूमि पर मरे हुए हाथी तथा रथ के घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे वज्र द्वारा खंडित पर्वतों के शिखर के टुकड़े भूमि पर पड़े शोभायमान हो। शिवजी के गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति द्वारा बारंबार जीवित करते थे। शुक्र का यह कृत्य देखकर व्याकुल तथा भयातुर गणों ने महादेव जी से सब वृतांत कह सुनाया। इसके पश्चात महादेव जी के मुख से तार के वृक्षों के सदृश लंबी कंदरा के समान अति भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयंकर कृत्या युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े दैत्यों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को पकड़कर आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देख युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिवजी के वीरगण दैत्य सेना को मारने लगे। शिवगणों के भयानक आक्रमण से दैत्यों की सेना इस प्रकार तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से तृण समूह इधर उधर उड़ने लगते हैं। रुद्र गणों के भय से भागती हुई दैत्यों की सेना को देखकर शुंभ निशुंभ और कालनेमी ने दैत्य गणों पे बाणों की वर्षा करने लगी। दैत्यों के बाणों ने टिड्डी दल के समान आकाश तथा दसों दिशाओं को रोक लिया। शिवजी के गण भय से कांपने लगे।
सैकड़ों बाणों से विदर्ण होने से रुधिर की धाराओं से व्याप्त वसंत में पलाश पुष्प के समान सुशोभित शिवगणों के अतिरिक्त वहां और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ स्वयं गिरते हुए और कुछ गिरने वाले छिन्न भिन्न सब रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात शैल गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को नष्ट हुई देख क्रोधित हो शीघ्र ही दैत्यों के रोकने में लग गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।